नमस्कार, मैं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं केसरी उजाला न्यूज। जरीपटका थाना अंतर्गत एक 14 वर्षीय किशोरी से 20 वर्षीय युवक द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पीड़िता किशोरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी शाहरुख शेख यशोधरा नगर निवासी बताया गया। पीड़िता जरीपटका निवासी 9वीं कक्षा के छात्र है। पीड़िता के पिता व्यवसायी है। गत नवंबर 2019 से नाबालिग पर शाहरुख की नजर थी। शाहरुख ने नाबालिग को अपने प्रेम जाल में फंसाया, उससे मीठी मीठी बातें कर मित्रता स्थापित की। इसके बाद नाबालिग से मिलने के लिए शाहरुख स्कूल और घर के चक्कर भी काटता रहा। फिर शाहरुख नाबालिग लड़की से आपत्तिजनक बर्ताव करने लगा। वह नाबालिग के साथ समय समय पर दुष्कर्म करता रहा। आरंभ उसकी हरकतों को छात्रा भाप नहीं पाई। 9 फरवरी को शाहरुख बाइक पर सवार होकर जरीपटका पहुंचा और पीड़िता को घुमाने के बहाने नारा रोड के पास एक सुनसान जगह पर लेके गया, जहां उसने पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म कर हवस का शिकार बनाया। इससे पीड़िता भयभीत हो गई। पीड़िता ने यह बात तुरंत अपने परिजनों को बताई और तुरंत जरीपटका थाने में शाहरुख शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़खानी, बलात्कार तथा अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया। 15 तारखेला 14 वर्षीय मुलीने तिच्या आई वडिलांसह येऊन पोलीस स्टेशनला तक्रार दिलेली आहे। आरोपी शाहरुख शकील शेख, वय 20 वर्ष, यशोधरा नगरच्या हद्दीत असलेला आरोपी आहे। या आरोपीने या लहान मुलीला फूस लावून तिच्याशी जवळीक वाढवून तिच्याशी ओळख वाढवून तिच्याबरोबर अनैतिक प्रकार करण्याचा प्रकार केलेला आहे। याबाबत अपराध क्रमांक 96/22 पोलीस स्टेशनला दाखल आहे। गुन्ह्यात आरोपी अटक आहे। आरोपीला 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी मिळालेली आहे। गुन्ह्याचा तपास चालू आहे। नाही, ही लहान मुलगी आहे, 14 वर्ष वयाची मुलगी आहे। आई वडिलांसह राहते। वडील वाईनशॉपमध्ये काम करतात। सामान्य कुटुंब आहे आणि दयानंद हायस्कूलमध्ये ती शिकते। त्यामुळं लहान मुलीला थोडीशी तिच्याशी ओळख वाढवून शाळेच्या इथे चक्र मारून घराच्या इथे चक्र मारून हा मुलगा त्रास देत होता आणि त्यानंतर तिला नारा रोडकडे घेऊन जाऊन त्याने गैरप्रकार तिच्याशी केलेला आहे। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज।